सुबह उठकर देखता हूँ मम्मी पापा दोनों गायब, मेरा मतलब गांव गए हुए हैं किसी काम से, इसलिए आज चिकन बनेगा। और एक बात बताऊं, घर पर चिकन बनाना अलाउ नहीं है, इसलिए गैस स्टोव को करते हैं चेंज, क्योंकि इस पे चिकन बनाए और मम्मी को पता चल गया तो शायद घर से बाहर निकाल दे। खैर, अगर आपको भी प्याज काटने में ऐसी दिक्कतें होती है तो मेरे पास एक रामबाण नुस्खा है, कोई सा भी एक हेलमेट पहनो और शुरू हो जाओ। फटाफट से चिकन बनाते हैं, गरम तेल में डालो प्याज, प्याज में डालो चिकन, चिकन बनके तैयार। पता नहीं जब मैं चिकन खाता हूँ मेरे अंदर का राक्षस बाहर आ जाता है, लेकिन इसका राक्षस का तो पता नहीं, चिकन का आत्मा जरूर आ जाता है। खा पी के फटाफट सबूतों को मिटाते हैं, पहले तो गैस स्टोव चेंज करते हैं और एक एक कोना साफ करते हैं, बस मम्मी को पता ना चले। लेकिन आप कितना भी कुछ कर लो मम्मियों को पता चल ही जाता है। फिर टाइम आता है बर्तन धोने का और झाड़ू पोछा लगाने का। ये झाड़ू छपड़ियों के बाल जैसा नहीं लग रहा, इंस्टाग्राम के रील्स वाले छपड़ी। चलो मेरा तो आज का हो गया, लेकिन ये ब्लॉग जब मम्मी देखेगी तो शायद मैं जिंदा ना रहूं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना।